हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक पे कि टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद आगे की स्टडी क्या करें, ट्वेल्थ करें या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज ले, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन लेना है तो मेरे तरफ से मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप टेंथ करके कुछ अगर जॉब करना चाहते हैं या कहीं पोस्टेड होना चाहते हैं तो आप कोई टेक्निकल डिग्री लीजिए, उसके थ्रू आप जितना जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं या कोई जगह पोस्टेड हो सकते हैं या फिर आप कोई अच्छा पोस्ट लेके जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप टेंथ करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगी ITI की, क्योंकि ITI करके आप कहीं पोस्ट हो सकते हैं और अच्छा खासा कुछ अर्न कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं। या फिर टेंथ के बाद एक और ऑप्शन आता है डिप्लोमा का, आप टेंथ करके डिप्लोमा का कोर्स भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में आप कोई ट्रेड ले लीजिए, कोई अच्छा सा ट्रेड, और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर ITI भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ITI का, क्योंकि ITI के थ्रू भी आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ITI का फॉर्म जो है वो जुलाई मंथ में निकलता है। तो ITI का फॉर्म फिलअप करके और उसमें उसका एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप पास कर जाइएगा तो उसमें आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा, तो उस कॉलेज में अपना कोई ट्रेड लेके आप ITI कर सकते हैं। ITI जो है एट कम्प्लीट करने के बाद भी आप कर सकते हैं, टेंथ कम्प्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं और ट्वेल्थ के बाद भी आप ITI कर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर आपको करना है तो उसके लिए टेंथ करना पड़ेगा, टेंथ के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। कोई उसमें भी कोई अच्छा सा ब्रांच लेके आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि ITI जो है आप जो है आपकी एक 6 मंथ की और 1 साल की 2 साल की मिनिमम होगी। डिप्लोमा जो है वो आपकी 3 साल की होगी। और अगर आप ITI कर लिए तो ITI करने के बाद अगर आपका मन है डिप्लोमा करने का तो ITI के बाद डिप्लोमा आपका 2 साल का होगा, क्योंकि ITI में आपका बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो डिप्लोमा 3 साल का होता है बट ITI के बाद आप के लिए 2 साल का हो जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा कंप्लीट अगर कर लिए और अगर आपको आगे का भी पढ़ाई करना है तो BTEC आप कर सकते हैं, वो BTEC आपकी फिर 3 साल की हो जाएगी। ऐसे नॉर्मली BTEC 4 साल की होती है बट अगर आप डिप्लोमा करके BTEC करेंगे तो BTEC आपके लिए 3 साल की रहेगी। और अगर बात आप जानना चाहते हैं कि ITI बेटर होता है या डिप्लोमा या फिर BTEC, तो मेरा ओपिनियन है कि ये है कि ITI डिप्लोमा और BTEC सब बेटर ही है, बट करने पे आपको डिपेंड करता है। कोई जॉब या फिर कोई पोस्ट ख़राब नहीं होती है या कोई स्टडी ख़राब नहीं होती है। यही है कि ITI करके आप थोड़ा डिप्लोमा से नीचे रहिएगा और BTEC कर अगर आप किए हैं तो BTEC में डिप्लोमा वाले नीचे रहते हैं। तो पोस्ट सबकी अपनी अपनी होती है, ITI वालों की अलग पोस्ट होती है, डिप्लोमा वालों की अलग पोस्ट होती है और BTEC वालों की अलग पोस्ट होती है। तो जिस टाइप का आप डिग्री लीजिएगा ITI का या फिर डिप्लोमा का या BTEC का, उस टाइप की आपको पोस्ट दी जाएगी और उस पोस्ट में आपको रखा जाएगा। तो तीनों बेटर है। अगर आप 8 के बाद 8 कम्प्लीट करने के बाद भी अगर करना चाहते हैं तो ITI चूज़ कर सकते हैं, 10th के बाद भी आप ITI डिप्लोमा चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 12th किए हैं तब तो आपके लिए मेरे ख्याल से BTEC सही रहेगा। BTEC में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें आप ब्रांच लेके और आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली तो स्टडी होती है ना, 10th करने के बाद आप 12th कीजिए, 12th करने के बाद BSc कंप्लीट कीजिए या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आप IOCL से जुड़ना चाहते हैं जो कि पेट्रोलियम इंजीनियर के थ्रू, तो आप BSc करके भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर में जो पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस का सेक्टर होता है पेट्रोलियम का, उसमें अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो BSc लेवल पे जून और सितंबर में वैकेंसी निकलते रहती है, तो उसके थ्रू आप IOCL में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद भी पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पे अभी स्टडी कर रहे हैं और पेट्रोलियम इंजीनियर बनने का ही मेरा फुल ट्राई है कि पेट्रोलियम इंजीनियर बनेंगे, उस पर ही मेरा मेन गोल है। तो अगर आप पेट्रोलियम के सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टडी करके अगर आप जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके BSc और फिर आप IOCL में एंट्री ले सकते हैं। उसका भी फॉर्म निकलता है जून और सितंबर में, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और फिर अप्रेंटिस करके आप उसमें जा सकते हैं। और ये ITI और डिप्लोमा जो है बहुत जल्दी जॉब पाने का एक बहुत अच्छा ही तरीका है, जिसके थ्रू आप जितना जल्दी हो सके कहीं पोस्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप कुछ अर्न कर सकते हैं, अपना पोस्ट अपना आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए और अपने करियर के लिए।
तो ये गाइस ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनको अगर लगता होगा कि 10th या 12th करने के बाद हम क्या करें, तो उनको हम अपना ओपिनियन दिए हैं कि 10th 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं या 8th के बाद क्या कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही था कि अगर आपको टेक्निकल डिग्री लेना होगा तो आप ये कर सकते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा या ITI कीजिए, या 12th किए हैं तो BTEC की कोई डिग्री लेके कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए, बहुत अच्छा भी रहेगा, बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसके, जल्दी अपना जितना जल्दी से जल्दी आप करियर बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट में आप दे सकते हैं, और आई थिंक अगर हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, और भी जो सारी आपको जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप बस बोल सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए, तो उस टाइप से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।